मैं देख रहा था दिल्ली का बजट, ये 3 खरब इंडियन रुपया, सबसे रिच जो म्यूनिसपलिटी है वो बॉम्बे की है हिंदुस्तान में, बहुत अच्छा काम करते हैं वहाँ, कोई इशू ही नहीं है। रांची के मसाइल का हल क्या है? कराची के मसाइल का हल ये है कि बहुत खलूस दिल के साथ आसपास के मुल्कों को देखते हुए आप एक ऐसा बलदियाती निज़ाम कायम करें जो मुस्तकम हो और आपको बदअमनी ना दे, बल्कि आपको वो निज़ाम एक ऐसा शहर दे, मतलब मैं कराची की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आपको ऐसे आपको शहर दें जो खुशहाल हों, तरक्की कर रहे हों, और दूसरे शहरों की तरह हम उनको देखकर फिर ललचाए हुए अंदाज में ना देखें हम। अब आ जाएं बजट की तरफ। आप कराची को जो बजट दिया गया बकौल चीफ मिनिस्टर के, वो 45 से 50 अरब का था जी। मैं देख रहा था दिल्ली का बजट, ये 3 खरब इंडियन रुपया, 3 खरब 33 करोड़ का था, यानी हमारे 6 खरब से ज़्यादा का। बम्बई की सूरत हाल भी यही है कि उसका सबसे रिच जो म्यूनिसपलिटी है वो बॉम्बे की है हिंदुस्तान में, सबसे रिच जो है उसका बहुत तगड़ा बजट है उसका, और उसमें 7 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आती हैं, और हनुमान बॉम्बे जिसको हम BMC कहते हैं, म्यूनिसिपल मेट्रो कॉरपोरेशन, एक बहुत ह्यूज अम्ब्रेला है जो फिर लोगों को रेवेन्यू देती है, रेवेन्यू जनरेट भी करती है, रेवेन्यू बांटती भी है, इन तमाम जिसमें मीरा थाना, थाने का इलाका भी है, निज़ामपुर का इलाका भी है, बहुत तगड़ा सिस्टम बना हुआ है। बम्बई में 7 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं जो 1 मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन अंडर में काम करती है और बहुत अच्छा काम करते हैं, वहाँ कोई इशू ही नहीं है। आपका बजट क्या है? आपका कौमी बजट क्या है? आपकी प्रोडक्शन क्या है? आपकी तो फैक्ट्रियाँ बंद हैं, कुछ कोरोना की वजह से, कुछ पानी की वजह से, कुछ नाइली की वजह से, आपकी कपास तबाह हो चुकी है। हम वहाँ तो जा नहीं रहे, कपास जो है हमारी वो तबाह हो चुकी है बारिशों के बाद, और उस कपास को सपोर्ट करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने कोई इंटेंसिव नहीं दिया। अब मैं आपको बताऊँ कुछ मिसालें कि हमने जो स्ट्रक्चर थर्म बनाया था, जो भी सो कॉल्ड स्ट्रक्चर था, वो बह गया हमारा, हमारी सड़कें बह गईं, हमारे पुल टूट गए, हमारी रेलवे लाइन तबाह हो गई, हमारे घर तबाह हो गए, हम कच्ची बस्तियों में रहते थे, वो कच्ची बस्तियां भी अब कीचड़ बन गई हैं, वहाँ लोग रहने में मजबूर हैं, फील्ड अस्पताल बन गए, वो कितने दिन चलेंगे, क्या चलेगा। मैंने इस शहर में लाशें उठाई हैं बम धमाकों के बाद, मैंने इस शहर को तबाह होते हुए देखा है दहशतगर्दों के हाथों में, उसको भूल नहीं सकते, और वही बुनियाद है इस शहर की बर्बादी की, खराबी की, वही बुनियाद है, वहीं से बुनियाद पड़ी। ज़ियाउल्लाह के दौर से मैं शुरू करूँगा, फ़िरका परस्ती, नस्ल परस्ती, और मुख्तलिफ साथी जमातों को डिस्क्वालीफाई करना, शहर को तबाह करना, बर्बाद करना, जरगमाल करना, जरगमाल बना देना, भत्ताखोरी, लोगों का कत्लेआम, सब कुछ ने हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर था, जो हमारी कराची की वैल्यूज़ थी, उनको तबाह कर दिया। लेकिन फिर कराची फिर उठ के खड़ा हो गया, कराची फिर उठ के खड़ा होगा, दोबारा खड़ा होगा। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी मसाइल जो हैं हमारे, उन पर हमें आना चाहिए। सीवरेज का सिस्टम हमारा तबाह हो गया बारिश, जो थोड़ा बहुत था वो भी तबाह हो गया बारिश के अंदर, हमारा रेन ड्रेन तबाह हो गया, हमारा वाटर सप्लाई तबाह हो गई, और के इलेक्ट्रिक ने जो जुल्म किया हमारे ऊपर, वो तो कमाल का है, वो तो बदमाशी की हद पार कर चुका है। मैं 36 घंटे से अंधेरे में हूँ, जब मैं अगर अंधेरे में हूँ, वो इलाका जो एग्जेम्प्टेड है बिजली की लोड शेडिंग से, फॉल्ट से, एवरीथिंग से, तो फिर जो छोटे मकान आते हैं, इज़ाबाद है, फेडरल बेरिया, लियाकताबाद, और फिर कच्ची बस्तियाँ हैं जहाँ एक बल्ब जलता है, उनकी क्या हालत होगी, उन पर क्या गुजर रही होगी। जनरल साहब, कराची में इस वक्त सड़कों पर किश्तियां चल रही हैं, पूरा कराची अंधेरे में डूबा हुआ है, क्या आप समझते हैं कि विफाक और सूबाई हुकूमत कराची के मसाइल को लेकर संजीदा है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वक्ती तौर पे संजीदगी नजर आएगी लेकिन बिलाखिर सियासत हावी हो जाएगी। बहुत बहुत दुख की बात यह है कि अवाम की जो तकालीफ, अवाम के मसाइल, उनकी जिंदगियां जहां तबाह हाल नजर आती हैं उस पर भी यहाँ पे सियासत की जाती है, क्योंकि आप यहाँ पे क्रेडिट देना चाहते हैं। आपकी कोशिश है कि बाद में जब इलेक्शन आए तो उसमें मैं कह सकूं कि जनाब मैंने ये काम करवाया था। हालांकि ये वो चीजें हैं जहां पाकिस्तान के सारे अवाम एक हुकूमत के सामने एक ही, उनकी कोई भी पार्टी हो, वाबस्तगी किसी से भी हो, वो आपके लोग हैं, उनका ख्याल होना चाहिए, उनको रिलीफ मिलना चाहिए। तो मेरा अपना अंदाजा ये है कि हम इस मुसीबत से जान नहीं छुड़ा सकेंगे, क्योंकि मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ कराची के हालात। आज तो बारिश ने तबाह किए लेकिन वहां पे गंदगी का उस शहर जो इतना शहर जबरदस्त हुआ करता था, जहां रोशनियां रात को दुनिया फिरती और आप ये जो मिडल ईस्ट के लोग हैं ये यहाँ आया करते थे सैर तफरी के लिए, और आज वही कचरे का ढेर बना हुआ वो शहर लोगों में भी और अवाम के अलावा हुकूमतों में। क्यों नहीं हमने सारा इंतजाम किया? मोना, आप क्या समझती हैं, विफाक और सूबाई हुकूमत संजीदा है कराची के लिए? मुझे ये गिला है कि इनको क्यों किसी को जरूरत पड़ी साथ बिठाने की? क्या इन सबको अपने बतौर अवामी नुमाइंदे इनको क्या अपना फर्ज नहीं पता था कि इन्होंने मिलकर एक चीज के लिए काम करना है जहां पर आप सब इलेक्टेड हैं? या तो आप ये बोले कि नहीं जी ये वफाकी हुकूमत इलेक्टेड है लेकिन सूबाई अनइलेक्टेड है, या वफाकी अनइलेक्टेड है लेकिन जो शहरी हुकूमत है वो इलेक्टेड है, इस किस्म की या तो बात करें। ऐसी तो कोई बात नहीं है ना, सारे लोग मैंडेट लेके आए हैं पब्लिक का, तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि आपने काम करना है तो मिलकर काम करना है, या तो फिर पब्लिक ने अलग अलग वोट दिए होते, सॉरी सेम वोट दिए होते इन तीनों डोमेन्स में या इन तीनों हुकूमतों में, ऐसा तो हुआ नहीं। तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि आपने मिलकर काम करना है। इनको अपनी आईनी जिम्मेदारी का जरूरत पड़ी कि एक बीच में कोई मीडिएट करवाए और पाक फौज ने मीडिएट करवाया, फिर ये आकर बैठे, फिर इन्होंने साथ कोई इतना अच्छा बेहतर एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की। दो रोज से अब मुझे नजर आ रहा है कि थोड़ी संजीदगी का मुजाहरा हुआ है। दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन, यकीनन ये एक बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन है। कराची के मसाइल का हल क्या है? कराची के मसाइल का हल ये है कि बहुत खुलूस दिल के साथ आसपास के मुल्कों को देखते हुए आप एक ऐसा बलदियाती निज़ाम कायम करें जो मुस्तकम हो और आपको बदअमनी ना दे, बल्कि आपको वो निज़ाम एक ऐसा शहर दे। मतलब मैं कराची की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आपको ऐसे आपको शहर दें। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।